हाँ मजा सो वी ऑल आर रेडी शी इज ऑल्सो रेडी दिखाओ कैसे लग रहे हो सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज मनीष शर्मा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरी शादी थी सो आई वाज बिजी इन दैट बट अभी दिस इज माय व्लॉग अगेन एक ट्रैवलिंग व्लॉग जिसमें कि मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ से हाय फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियल वाइफ ऐसा नहीं है ऑफिशियल अरे कहने का मतलब है कि पहले एक बार मैंने आपको डाल दिखाया है एज अ गर्लफ्रेंड एक वीडियो में सो नाउ शी इज़ माई ऑफिशियल वाइफ नाउ ऑब्वियसली मतलब ऑफिशियली वी आर टुगेदर इन द रूम एट माई होम एंड शी इज़ पैकिंग द स्टफ तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक ट्रैवल व्लॉग है मेरा ये मेरा रूम है छोटा सा देख लो छोटा सा तो नहीं है बहुत बड़ा है अभी हम करेंगे इसको मैनेज अभी बस रॉ है बिल्कुल ऐसे ही सो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं और ये हमारा कोई हनीमून नहीं है मेक दैट क्लियर फर्स्ट अभी हम सिर्फ हनीमून के लिए तो हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है सो वील गो देयर आराम से रिलैक्स होके अभी मेरी फैमिली हाँ कह सकते हैं लापरवाह लड़की थी इसने आज तक पासपोर्ट नहीं बनवाया बट मेन रीज़न दूसरा भी है कि अभी शादी से फ्री हुए इतना क्योंकि मेरे को और एक अच्छा ट्रिप करना है हनीमून पे सो उसके लिए मैं तैयार नहीं था रात को गली में सिर्फ कुत्ते से बाय बाय मॉमी इधर देख के बोलो बाय बिना चुन्नी चल बिगा आँख 12 बजे तक जगी क्यों है फिर मेरे पेट में बहुत जाए मैं सोऊं ऐसे हो सके चलो ठीक है बाय सी यू बैठो ऑन द वे आप जीजू के घर जा रहे हैं उनका ऑलरेडी फ़ोन आ गया है 12:30 हो चुके हैं कि लेट हो तुम लोग आपको कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम दिस इज़ आवर ट्रैवल ब्लॉग विद माई वाइफ आपको कैसा लग रहा है हाँ अभी हम लोग भूखे हैं अभी हम घर से भूखे निकले हैं आप लोग रेडी अच्छा तो सेम ड्रेस पहनी हुई है तुम दोनों ने मैंने अभी हेयर शॉप नहीं करे हैं बाल नहीं खोले फोटो शूट होगा अच्छा बाल दिखाने हैं बाल में और ये सही ले लिया है नेक पिलो यार मेरे को भी बड़ी जरूरत है इस चीज़ की थैंक यू सो मच और भाई इसका भी ब्लॉग चल रहा है ये देखो इसका भी इज ऑल्सो मेकिंग वीडियो फॉर हिज यूट्यूब चैनल बेटा मेरा चैनल आपसे ज़्यादा बड़ा है सो आई एम सॉरी आपका चैनल बेकार है सो थैंक यू सो मच भाई एक बज गया यार के खा रहे हमने खा ले ना। अले ना। हमारा बैग ही लग रहा है मेरे हिसाब से बड़ा वाला बैग लग रहा है यहाँ पे ना ये आरवीस इज ऑल सेट अंशु क्या व्लॉगिंग कर रहा है भाई तो ये हमारी गाड़ी है जिसमें हम जा रहे हैं अब यहाँ से सीधा निकल रहे हैं हम थोड़ा लेट हो गए 1 बज गया एग्जैक्ट तो अब सीधा डेस्टिनेशन पे ही ब्लॉगिंग हो या कहीं रास्ते में रुकेंगे तो वहाँ लेंगे ऑल वो एवरीवन इज सेट टू गो सो हियर इट इज अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे एज़ यूजुअल अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं ऐसे जनरली आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ तो हम लोग यहीं पर हाँ नहीं ना वैसे तो जनरली हम यहाँ से इग्नोर करके चले जाते थे इसको तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं उसके बाद वी मूव फॉरवर्ड कड़क रुके थे भाई लोग से मिलने इज द भाई का भी चैनल है और इन सब के साथ हम रुके हुए थे क्यों सब्सक्राइब करना फॉलो होता नहीं हाँ वहाँ पे होता नहीं तो हम लोग साथ में रुक 100 फॉलो आते हैं बिल्कुल ही बेइज्जती करा देंगे YouTube ही नहीं चलाया जाता ना वो जो देख रहे हैं उनको पता है पर वैसे कोई नहीं बोलने दो तो अभी बस इनके साथ रुके थे हम लोग सुखदेव पे अभी हम आगे जा रहे हैं वो हम थोड़ी भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहो ताकि भाई का चैनल आगे जाए उसके बाद तुम्हारा भी पीछे पीछे ये लाइन में पीछे पीछे नहीं आगे ही है भाई अभी तो नहीं भाई आगे आगे नहीं हम पीछे पीछे चलो सी यू गाइस मिलते हैं वो जल्दी बाय टेक केयर ब्रदर बाय बाय गुरु तो गाइस चैनल का नाम मेरे गगन किंद्रा सारे कॉमेडी कंटेंट ही मिलेंगे वहां पे चलो ओके ब्रदर सी यू गुड मॉर्निंग गाइस अभी हम लोग रुके हैं टेपला रोड पे कौन सा इट्स अ टेपला रोड लिखा हुआ है ऑन द वे है तो अभी हम लोग चाय के लिए रुके हैं लोगों को चाय पीनी है
तो उसके बाद सोई नहीं हूँ नहीं मैं सोया हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं सोया और हमारे पास और भी लोग हैं ये रहे लोग हमारी एक फॉर्च्यूनर भी पीछे है बट इनका इनको स्पीति में ले जाना है बट हमारा थोड़ा डेस्टिनेशन अलग है इसमें भी हमारे लोग हैं और एक हमारी है अभी रेस्ट के लिए रुके हुए हैं अभी चाय ना भाई व्लॉग दे रहा था सब बना रहे हैं व्लॉग सब लोग खड़े हैं बनाना फोटोशूट चाय टी टाइम चलो चलो घुस जाओ भाग जाओ भाग जाओ बेटा बेटा जल्दी बेटा बैठो भाई बैठो बैठो नहीं इसमें जगह ही ना कहाँ है चलो 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 ओ बारिश बारिश हो गई है और यहाँ धूप नहीं है फिर भी हम चश्मे लगा के हीरो मंती कर रहे हैं यार मेरे पास है ये दो बार आप पर किधर गाड़ी छा दी है मर्सी ऐसे हां मैं वही कह रहा हूं वो दो ब्रेकर दिखे नहीं थे नहीं हमारी ज्यादा नहीं उछली थी ना उछली सस्पेंशन सस्पेंशन अच्छा था उसका इसमें तो फील हुआ पूरी पीछे से भी ऐसे ही और आगे से भी ऐसे ही मैं उसके बाद भैया तो अगले कम से कम आधे घंटे के लिए स्लो हो गए मेरे को पता लग रहा है पापे किथे हो भाई उछली हुई अभी ओ इधर आ जा भाई कहां जा रही है नींद में नहीं गई नींद अरे मेरे कैब चल कैब छोड़ दिस इज द टनल 3 और टनल 1 और 2 अभी क्लोज्ड है टनल 3 स्टार्ट है जो कि आपका रास्ता छोटा कर देगा मनाली का क्या दिक्कत हुई थी क्या कुछ ट्रेवल में अरे नहीं अब हम लोग रुके हैं इस डेस्टिनेशन पे मनाली में एग्जैक्ट आ चुके हैं सो आई एम रिवीलिंग द डेस्टिनेशन दिस इज मनाली नाउ उसके बाद अभी हम लोग जाएंगे एक और आगे कुछ गए तो ये चीकू मेरे साथ सो रहा है मेरी गोदी में ये गौरव जा रहा है गौरव कुछ खा रहा है भाई देखते तो ये जो अगर आप इस वाले रूट से आएंगे तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ रहती है मनाली में क्योंकि रास्ते छोटे होते जा रहे हैं बहुत सो अभी ये देखो हम बाहर भी निकल गए तो ये दो टनल में डिवाइडेड है टनल नंबर 11 ये टनल लग रहा है जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन हो है ना कितना सुंदर लग रहा है ना वो वाला पोर्शन दिखा दे दोस्तों 3000 के नोट बंद करवा रहे हैं सब चला रहे ये वीडियो कॉल चल रही है अपनी बहन के साथ भुट्टा खाते हुए इनकी बैंकर दीदी है बैंकर दीदी ओ दीदी नहीं बोलना बहन है और ये भुट्टा खा रहे हैं सब हम यहाँ पे अभी हम रुके हैं ऑन द वे ऑफ सोलांग वैले तो अभी हम यहाँ रुक के बस भुट्टा खाने के लिए इंजॉय करने के लिए रुके हैं थोड़ा और एक्चुअली हमारा ना होटल भी दूर पड़ गया है थोड़ा थके हुए हैं बुरी तरह ट्रैफिक है थोड़ा बट ठीक है कम पड़ गया हाँ जी तो ये ब्रिज पूरा हिला हुआ है ये रास्ते से हमें आना पड़ा होटल के चक्कर में पूरा गड़ 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 हिल रहा है देखना अच्छा होटल हो अच्छा आरती सुन ली भगवान ने सो दिस इज द मैप दिस इज द रिसेप्शन ऑफ द होटल अभी यहाँ पे ये मैप है इसका दीज आर द वेलकम ड्रिंक थैंक यू वेलकम ड्रिंक ऑनेस्टली दिस इज लिटरली अमेजिंग व्यू बहुत ज़्यादा अमेजिंग वाइब है होटल में बेटा रिवील तो मैं कर चुका हूँ वी आर इन द मनाली तो ये हमारा होटल है Moving forward towards hotel. Hotel's room.
उर्वशी रिट्रीट नाम है इसका, और वैसे वेलकम हेरिटेज नाम है वो, नीचे उर्वशी रिट्रीट भी है इसका नाम। सो वी ऑल आर रेडी, शी इज ऑल्सो रेडी। दिखाओ कैसे लग रहे हो। परफेक्ट। जुकाम हो गया क्या? हल्का। मैं भी रेडी हूँ भाई, मैं तो बस बेसिक, हम तो गरीब आदमी ऐसे ही तैयार होते हैं। एक टी शर्ट एक पैंट पहन ली हमने तो बस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने होटल को ही, क्योंकि हम रेस्ट नहीं किया हमने जब से, और रेस्ट नहीं करने की वजह से थोड़े थके हैं, फेस पे भी टायर्डनेस है। अभी नहाए हैं सो बस अभी जा रहे हैं। तो अगर होटल में कुछ अच्छी चीज़ें हुई तो वो दिखाऊँगा। मौसम के मज़े के लिए हम लोगों ने पकौड़े मंगाए हैं, एक तो फाड़ लो। ये देखो मौसम, और इस मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े। पकौड़े कैसा लग रहा है? तो ये है असली मज़ा इस मौसम में, ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े खा के एंजॉय करते हैं। अंशु कैसे हैं? कैसे हैं ये बता पहले, एक नंबर। चलो अब मैं भी बैठ के खाता हूँ, एंजॉय करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आगे, ठीक है। ये लुक देखो ये कितना अच्छा व्यू है यार यहाँ का, दिस इज द बेस्ट। कहाँ पे? हाँ ये अंशु का ट्रैम्पोलिन है, ये हमारा चीकू का जंपिंग जपांग शुरू। ठीक ठीक है सर, बोल दीजिए। इतनी पार्किंग भरी हुई है यहाँ पे, हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही है, पूरी जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मतलब इतना रश है कि हम लोग पार्किंग के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें जाना अभी मॉल रोड, उसके बाद वन बिहार, क्योंकि यहाँ पे जो दो जगह है पास में यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद शायद कल कुछ एडवेंचर चीज़ें करें अगर करीब तो। आज एडवेंचर नहीं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक राफ्टिंग एंड ऑल। अच्छा यस, सो दैट्स इट। अभी एक बार पार्किंग मिल जाए तो अंदर जाते हैं, कहीं ढूंढ रहे हैं पार्किंग, सब रेडी हो के। अंशु तो सो गया दोबारा। क्या रश रहता है यहाँ पे आके, तो ना यही चीज़ मिलती है और कुछ मिलता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रश। पब्लिक चारों तरफ, कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। और दिस इज वन विहार, जहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सप्लोर करने आया है कि यहाँ पे होती क्या है चीज़ें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काइंड ऑफ, इसका वेट कर रहे हैं टिकट का। आपको यहाँ पे एक 20 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी एक्सप्लोर करने के लिए, अंदर आने के लिए। और यहाँ पे थोड़ी फन एक्टिविटीज़ हैं थोड़ी, आपको ये वन विहार जगह है और यहाँ पे आपको चीज़ें ऐसी दिखेंगी और लोग मिलेंगे, बच्चे किड्स, अगर आप बच्चों के साथ आए हैं तो यू हैव टू नो कम। और यहाँ पे देखो अभी ये कल्चर ऑलरेडी यहाँ पे देखो हमारा इंडियन कल्चर को कैसे फॉरनर्स वो कर रहे हैं इंजॉय अप्लाई। ये फोटो करा रही है अपने इसके साथ। फाइनली हम वापस होटल आ गए हैं, अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, चेंज कर लिया है लोअर टी शर्ट्स में, और अभी वो चेंज कर रही हैं और ये चेंज कर चुका है, कर रहा है ये भी नाइट सूट, वो थोड़ा रेस्ट पे है। जय जी नीचे खाने के लिए गए हैं कुछ डिनर के लिए, वो भी चेंज कर रही है। सो इट्स ऑल सेट, अब हम सोने वाले हैं। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको पसंद आई, एक मेरी फैमिली का थोड़ा पार्ट टू आएगा बेटा, पहले हम वन को एंड अप कर लेते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मनाली कभी भी आएँ, किसी के साथ भी आएँ, दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखें। पहला कि आपको के ये चीज़ पता हो कि आप किस ट्रैक से जाना चाह रहे हैं, क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब हो गए थे बीच में, लेकिन अब जो टनल्स बने हैं वो खुले हुए हैं। दूसरा कभी भी इस पर भरोसा मत करना ज़्यादा, किसी से रास्ते में पूछते रहना, क्योंकि कई बार ट्रैफिक के चक्कर में गलत ट्रैक पे
गाड़ी उतरवा देता है नेविगेशन गूगल मैप राइट। तो गूगल मैप के चक्कर में भी ना रहें। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो हमेशा कोई ना कोई गर्म कपड़े ज़रूर लेके आएँ, जैसे कि इस टाइम पे वेदर बहुत डाउन हो गया टेम्परेचर, तो इसलिए थोड़ा ठंड बढ़ गया है। वैसे इन्होंने हीटर वगैरह सब दिया हुआ है हमें। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, शब्बा खैर, जय बालाजी, जय श्री राम, ध्यान रखें अपना। और अगर मेरी फैमिली से और मुझसे कनेक्ट होते हैं तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।